तो आज आपको ले चलते हैं उस जगह पे जहाँ से मैंने अपनी इंजीनियरिंग जर्नी की शुरुआत की थी, और देखते ही देखते ये 4 साल का बीत गया इसका पता ही नहीं चला। तो आज है हमारी ग्रेजुएशन का आखिरी दिन, और एक आखिरी बार अपने कॉलेज को करीब से देखना तो बनता है। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कैसा है हमारा कॉलेज। तो दोस्तों, यहाँ से हुई थी मेरी इंजीनियरिंग की शुरुआत। सन 2017 में जब जेईई का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद मैं डीटीयू में आया था, तो फाइनली यहीं पर हमारी ओरिएंटेशन हुई थी एंड यहीं पर हुआ था सब कुछ। द फर्स्ट डे ऑफ डीटीयू स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। अगर आप डे स्कॉलर होते हो ना मेरी तरह, तो आप काफ़ी सारी चीज़ें मिस कर देते हो, जैसे कि जो डीटीयू के फेस्ट हैं, काफ़ी सारे फेस्ट कंडक्ट होते हैं डीटीयू में, और अपना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो ठीक है, हम लोग चलते हैं और देखते हैं अपना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और बाकी सारी जगह जो मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाई। तो हम आ चुके हैं अब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। स्कूल से जब आप कॉलेज में आते हैं तो आपको एक नया वर्ड जानने को मिलता है, मास बंक। कभी पढ़ाई का मन नहीं किया तो मास बंक, टीचर लेट हुआ तो मास बंक, कभी कोई फेस्ट आने वाला हुआ तो मास बंक, और मास बंक के बाद जो हमारा फेवरेट स्पॉट हुआ करता था वो था स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो जो आप पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं ये है डीटीयू लाइब्रेरी। काफ़ी लोगों का जो बंक मारने के बाद स्पॉट होता था वो होता था डीटीयू लाइब्रेरी, और उसका रीज़न आपको अजय बताएगा। देखो यार, पूरे कैंपस में है ना एसी नहीं मिलता अच्छे से, क्लासरूम्स में भी एसी एवरेज सही है, लेकिन जो यहाँ पे एसी मिलता है ना वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। तो जो अभी गर्मी हो रही है उसमें यहीं जाना बेस्ट रहता है। ठीक है, चाहे आप कोडिंग करो, चाहे आप बुक्स पढ़ो, चाहे आप चुपचाप वहाँ पर बैठ जाओ, लेकिन बातें आप ज़्यादा करेंगे तो आपको वहाँ से निकाल दिया। टेक 52, लाइट्स, कैमरा, एक्शन। तो दोस्तों, जैसे ही हुआ मेरा सेकंड ईयर खत्म और थर्ड ईयर स्टार्ट, वैसे ही टाइम जो था वो थोड़ा सा सीरियस हो चुका था और टाइम आ गया था इंटर्नशिप का। तो इंटर्नशिप के लिए हम लोग आते हैं अपने ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल में, और ये जो आपको हॉल दिख रहा है ना यहाँ पर साइड में, यहाँ पर हॉल में होती है PPTs। तो जो कंपनीज आती हैं वो अपने जो PPT है, प्रेजेंटेशंस दिखाती हैं, वो यहाँ पर दिखाती हैं। तो जब पहले दिन मैं यहाँ पर आया था तो सब लोग ब्लू ड्रेसेस में थे। ब्लू ड्रेस एक्चुअली ड्रेस कोड है हमारे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल का, ब्लू शर्ट एंड ब्लैक ट्राउजर्स। तो हम लोग यहाँ पर आए, फिर जाके पता चला कि यार कॉलेज में कितने फाड़ कोडर्स हैं। जो वो माहौल होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर का माहौल होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे प्लेसमेंट सबकी लगी जाती है। अब एक बार एक महापुरुष ने कहा था कि पीछे से आलू डालो आगे से सोना निकलेगा, वही हिसाब अपने TNP का है, पीछे से स्टूडेंट डालो आगे से प्लेस्ड होके निकलेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कुछ आलू मेहनत नहीं करते ज़्यादा, तो उनको सोना बनने में थोड़ा भी टाइम लगता है, पर बन जाते हैं। तो मैंने सोचा था कि आप लोगों को अपनी क्लासेस वगैरह दिखा दूँ, लेकिन यहाँ पर सारी क्लासेस हो रखी हैं लॉक्ड, देख सकते हैं। तो ये थी मेरी अपनी क्लास TW3GF1, जो मेरे दोस्त हैं उनको याद होगा। तो यार, हम कॉलेज आए हैं और बिना क्लासेस देखे कैसे जाएंगे, इसलिए मैंने जुगाड़ ढूंढे दिखाने की। ये देखो, ये फोन के अंदर, और ये रही हमारी क्लासेस। इंजीनियर होने के देखो ये कितने सारे बेनिफिट्स हैं, सारी जुगाड़। फोन अंदर गिर गया फिर हो जाएगा काम, फिर सारी ठग लाइफ निकल जाएगी। तो ये वो जगह है जहाँ पर हम लाइन लगाया करते थे अपनी पेटीज और समोसे के लिए। ये है दूसरी कैंटीन अमूल, एक और कैंटीन जो सामने दिख रही है, यहाँ पर आपको मिलते हैं जूसेस वगैरह। वहाँ पर है एक नेस्कैफे, और एक और कैंटीन है जो कि बॉयज़ हॉस्टल के पास है। तो कैसा लगा मेरा कॉलेज DTU? अब जब भी कभी टाइम मिलेगा तो यहाँ पर ज़रूर वापस आना होगा, लेकिन तब तक के लिए अलविदा। हालत खराब हो गई यार, बहुत गर्मी है यार आज। आज के लिए शूटिंग का दिन तो ठीक नहीं था, बट फिर भी जैसे तैसे करके सब शूट कर लिया। हम लोग चलते हैं थोड़ा ड्रिंक वगैरह पीने के लिए। ड्रिंक वाली ड्रिंक नहीं, कौन सी ड्रिंक पीएंगे? जूस वाले हैं। तो भाई, इतनी गर्मी में कॉलेज का घूमने के बाद हाइपर लैब्स वगैरह जितने भी बनाए हम लोगों ने, हम फाइनली आ चुके हैं कुछ खाने के लिए। तो क्या खिला रहा हूँ भैया? तो यहाँ पे भैया कर रहे हैं अभी ऊबर, कौन सी वाली? लग्जरी वाली। हाँ, तो प्लेसमेंट लग गई है भैया की क्योर फिट में, और भैया का जो
भैया का पैकेज बहुत तगड़ा है, 30 लाख का पैकेज है भैया का, तो इसलिए भैया आप लग्जरी में ट्रैवल करते हैं, मतलब आम गाड़ी कुछ नहीं है यार, लग्जरी। मैं बताता हूँ, देखो सीन क्या है, सीन ये है कि मेरी बहन की जो इंटर्नशिप है वो है उबर में, अब उसको उबर ने दे रखी है उबर क्रेडिट्स, जो कि हमें महीने के एंड तक खत्म करनी है, वरना उसके बाद वो क्रेडिट्स वेस्ट हो जाते हैं, तो इसलिए हम लग्जरी ऑर्डर करवा लेते हैं, 3,000 रुपये क्रेडिट्स में पड़े हुए हैं। तो सही नहीं है, मतलब भैया के ना 3,000 रुपये पड़े हुए हैं अभी और कल खत्म हो जाएंगे, तो भैया जाएंगे BMW करके सीधा घर।